जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, यही कामना करती हूँ हमेशा। और आज अभी शाम का टाइम है, 7:30 हो गए और मैं बना रहे जा रही हूँ। वैसे सोचा तो था कि चने भटूरे बनाएंगे, लेकिन अभी बहुत लेट हो गया और मैं थक भी गई हूँ। तो वैसे कुछ नहीं करना, आटा ही लगाना और बस तलने पर। नहीं, शाम को वैसे भी तली हुई चीज़ अच्छी नहीं होती है ना, तो मैंने चने भिगो दिए थे दिन को। मैं दिखाती हूँ आपको, काबली चने, व्हाइट चने बोलते हैं इनको, व्हाइट चने हम बोलते हैं इनको, काबली चने। तो वो भिगो दिए थे और अभी मैं कुकर में डाल रही हूँ बस। उसके बाद जो है दिखाती हूँ आपको, तो ये देखिए, ये हैं हमारे चने, काबली चने जो फूल गए हैं बहुत अच्छी तरह से। और ये जो है, इसमें पानी डाल के बस नमक डालेंगे और थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि ये उबले ना, और पानी डाल देंगे बस। बस फिर मैं बाद में बताऊंगी आपको कि किस तरह से हमने बनाने हैं। पानी इसमें खुला डालेंगे हम, तभी अच्छी तरह से पकते हैं। तो ये देखिए, ये रखे हैं हमने चने, और अभी इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी है, आपको बहुत लग रही होनी लेकिन ये ज्यादा नहीं है। नमक, फिर तड़के में देख लेंगे, अगर अभी ज्यादा डाल देते हैं ना तब कोई ऑप्शन नहीं होता फिर, लेकिन थोड़ी सी डालते हैं हम, फिर तड़के में डालते हैं जो बचता है। और अभी इसमें डालूंगी मैं तेल की बूंदे, क्या मैंने तो ढक्कन डाल दिया, इससे ना उबल कर बाहर नहीं आते। तो चलिए अभी लगा देते हैं इसमें ढक्कन और फिर मिलते हैं आपको बाद में। ये लीजिए, गैस चल गई, ढक्कन लग गया, ये हमने डाल दिया। और ये दुपट्टा इस सूट के साथ बड़ा अच्छा मैच कर रहा है ना। फोटो खींच रही थी। तो अब मुझे बनानी है चाय नींबू वाली, इसको मिक्स ऐड कर देते हैं। हमारे यहाँ पे चाय अपने के पापा के लिए बना रही हूँ और अपने आप भी पी लूंगी। तो इसमें डालेंगे हम, पता कितने सी पत्ती डालते हैं हम, थोड़ी सी और डाल दूँ, मेरे को ज्यादा अच्छी लगती है ये वाली। और इसके बाद इसका चम्मच ये है ऊपर रखा हुआ, बस इसमें दूध नहीं डालेगा, वाकई भी दूध वाली चाय से ना गैस्ट्रिक होती है। मेरी माता दी तस्वीरे मां, प्यार तेरे नाल लाना। मेरी माता दी तस्वीरे मां, प्यार तेरे नाल लाना। बनने देते ना, फिर मैं आपसे बात मिलती हूँ। चलो बन गई हमारी चाय, और ये मैं नींबू इसको पीस से कट कर देंगे इस तरह से। इसमें ना छिलका ज्यादा है, ये देखो छिलका ज्यादा है। चार ना मेरी बड़ी कमजोरी है, इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी ऐसे। काट देते हैं बीच में, है ना। चले मैं प्लेट में रख लेती हूँ इनको, एक मिनट।
कप और जैसा है, दूसरा और जैसा है। चलो जो बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। शाम का टाइम और थोड़ा सा चंद्रमा और बाहर छत के ऊपर बैठ के चाय पीने का तो अपना ही मजा होता है। तो अभी हम यहाँ पे पी रहे हैं चाय। ये वीडियो था 4 मिनट, 5 मिनट का, तो मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। और यहाँ पे हम बातचीत कर रहे थे घर के बारे में कि क्या करना है, क्या कैसे करना है, काम वाला, मतलब ऐसे ही डिस्कस होती है ना बीच में। तो इस टाइम ना गर्मियों के टाइम में यहाँ पे बैठने का बड़ा मज़ा होता है। तो मैंने इनको भी चाय बनाई और अपने लिए भी चाय बना दी एक कप। और बाहर का जो सामने का जो व्यू आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत है ना। और क्या टाइम हुआ होगा, सॉरी खांसी आ गई एडिटिंग करते हुए। और सामने इतना सुंदर था ना, मैंने तभी इसको थोड़ा सा 1-1.5 मिनट का रहने दिया। मैंने कहा आप लोग बाहर देखते रहें, बहुत प्यारा दिख रहा था। हालांकि हमारे हम थोड़ा अंधेरे में हैं क्योंकि लाइट्स दूर हैं, पर गर्मियों के दिनों में यहाँ बैठने का बहुत मज़ा आता है। और भगवान करे पार जो हमारा घर होगा नया, वहाँ पर भी छत के ऊपर बैठने का इस तरह का ही अरेंज करेंगे कि बाहर बैठ के ना आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे चाय पीने का, खाना खाने का, सोने का बड़ा मज़ा आता है सच्ची में। प्रकृति की गोद में ना बहुत मज़ा है। तो ये देखिए, इनमें अभी मैंने आटा छान लिया है, नॉर्मल आटा है। और इसमें मैं अजवाइन डाल दी मैंने, आज मैं और कुछ नहीं डालूंगी, मतलब जैसे वो ईस्ट वगैरह वैसा कुछ नहीं डालूंगी। और ये थोड़ा सा नमक डाल दिया है ताकि ये फुलके भी बनाने हो खाली ना तो ठीक रहे बनाने को, मतलब। तो अभी इसको आटे का, आटे को गूंथ लेते हैं। तो ये देखिए ऐसे आपस में मिला के, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है इसमें। तो मैं इसको गूंथ लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आटा हमने लगा दिया है और इसको रख देंगे अभी रेस्ट पे, थोड़ी देर इससे रेस्ट करवाएंगे। और उतने को हम चने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं, ठीक है। मसाला मतलब प्याज है छोटे छोटे दो, वो डालने हैं। और अदरक और लहसुन में कूट लेती हूँ। देखिए इसमें मैंने थोड़ी सी दालचीनी मैंने ऐसे रख दी है साइड में, और एक बड़ी इलायची, और एक बड़ी इलायची, कुछ काली मिर्च, काली मिर्च और कुछ लाल मिर्च और अदरक, ये मैंने इसमें कूट दिया है, ठीक है। अभी हम पीस लेते हैं, सॉरी काट लेते हैं धनिया, टमाटर। तो अभी ले लिया मैंने टमाटर, अभी मैं टमाटर कट कर लेती हूँ, ये देखिए। और फिर हम लगाएंगे चने में तड़का। तो ये देखिए चने हमारे हो चुके हैं, मैं थोड़ा सा इनको इससे कर रही हूँ, ये देखिए ये होता है हमारा मैश ताकि ये ना इसमें इनमें गाढ़ आ जाए अच्छी तरह से। वैसे पक चुके हैं, गल चुके हैं, पर थोड़े गाढ़े नहीं थे, तो गाढ़े करने के लिए हम इसको इस तरह से करते हैं। अब ना बहुत अच्छे बनेंगे गाढ़े गाढ़े से। तो चलो अब लगा लेते हैं तड़का। तड़के के लिए मैंने तेल यहाँ पे रख दिया है, और मैंने उधर पूरियों के लिए भी रख दिया है, पर पहले इसी में तड़का लगा लेते हैं, फिर एक काम निपटा के फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए हमारा तड़का हो चुका है, और इसमें हम पहले वही अपने जो मसाले डालते हैं, पर हमने इनको जलाना नहीं है। और जीरा और ये दालचीनी और बड़ी इलायची का टुकड़ा, मिर्च हमने कूट दिए अदरक के बीच में इसमें, ठीक है। तो अभी नहीं तो मैंने मिर्च यहाँ पे डालनी थी, तो मिर्च नहीं हम डालेंगे। भरिया बंदूक राजे और ये डाल दिया हमने इसमें प्याज, प्याज प्याज।
तो ये देखिए प्याज भी हो चुका है, और अभी जो मैं पेस्ट डालने जा रही हूँ इसमें मैंने काली मिर्च भी कूटी थी और थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी कूट दी थी, बड़ी इलायची भी कूटी थी। तो अभी इसको हम यूज कर लेंगे। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, हो मैं आया शेरा वालिए, जोता वालिए पहाड़ा वालिए, हो मेहरा वालिए, हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, हो मैं आया शेरा वालिए। ये हो चुका है और अभी डाल देंगे इसमें टमाटर। टमाटरों को गालने के लिए फिर ये तो डालना ही पड़ेगा नमक, क्योंकि सब्जी में हम इसलिए कम डालते हैं ताकि यहाँ पे जो है अच्छी तरह से ये, और थोड़ी सी डाल देंगे हल्दी। वाह वाह, चने बनने वाले हैं बड़े अच्छे। चलिए इनको गलने देते हैं। तो देखिए ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है, टमाटर गल चुके हैं और अब हम इसमें डाल देंगे अब इसमें थोड़ा सा उबाल आने देंगे। अभी हमने तल दी, एक पूरी बन गई, कोई फूली कोई नहीं फूली, चलो कोई बात पर, खाने में बड़ी टेस्टी थी, सभी बड़ी नरम नरम थी। और अजवाइन से ना इनका टेस्ट ना दुगना हो जाता है, अजवाइन डाल के थोड़ा सा नमक डाल के हल्का सा, और आज कुछ नहीं डाला था इसमें, तो कुछ फूल रही थी कुछ नहीं फूल रही थी लेकिन टेस्ट में कोई कमी नहीं थी। ये पता नहीं क्यों नहीं फूल रही थी, मैं आटा भी लगाती हूँ शायद, कई बार तब भी नहीं फूलती, वैसे कई बार बहुत अच्छी फूल जाती हैं। और ये नॉर्मली आटा, मैं फिर से बता दूँ ये कोई स्पेशल आटा नहीं है, गेहूं का आटा है पर है थैली का आटा, दुकान से लाया है आटा, और बहुत मतलब सफ़ेद आटा है ये। तो ये देखिए पर बहुत अच्छी बनी थी, मतलब पूरियाँ हमारी बहुत अच्छी बनी थी, खाने में जो टेस्ट था उसमें कोई कमी नहीं थी, फूलने में हालांकि कमी हो सकती है। तो कभी कभी ऐसा मन करता है कि मतलब कभी कभी, अब तो हम बहुत कम बनाते, पिछले लॉकडाउन में ना हमने बहुत कुछ बनाया, समोसे, गुलाब जामुन, बर्फी, मतलब हर चीज़। और पता उस टाइम की ना, तब से मैं मोटी भी हो गई थी। कल मुझसे पूछा था कि किसी ने कि मेरा वेट कितना है, भाई अब तो मैंने, मुझे पता नहीं कितना है वेट, कमेंट में पूछा था किसी ने, अब तो पता नहीं 60 होगा मेरा, 60-65 इतना होगा। तो चावल भी बनाए थे हमने, अभी मैं आपको थाली लगा के भी बताती हूँ, क्योंकि बिना चावल के ना हमें अच्छा नहीं लगता, ये बिल्कुल सारा ही तला तला हुआ। तो पूरियाँ तो हमने एक दो दो खाई थी, बाकी चावल ही थे। तो चलिए अभी लगाते हैं थाली, आप लोग भी आ जाइए। तो देखिए थाली लग चुकी है, आप लोग भी आ जाइए। तो ये बनी है हमारी पूरियाँ भटूरे, कुछ भी बढ़िया हैं और टेस्टी भी हैं। देखिए तो हम पूरी बिल्कुल इनको तली भी नहीं खा सकते सारे, क्योंकि पता क्या बहुत दिक्कत हो जाती है ये तला हुआ ज़्यादा खाने से, तो हम चावल भी बीच में बनाते हैं। तो ये लीजिए आप लोग भी आ जाइए, और चने तो ठीक है खा लेते हैं खाना, फिर करते हैं आपसे बात। चलो जय माता दी।